तो पीटर यान का हो चुका है सर्जरी सक्सेसफुली। यूएफसी 299 में फाइट किया था पीटर यान अगेंस्ट आपका सोंगया डोंग के साथ, तो वहां पे उसका पैर का जो ACL होता है तो वहां पे उसको चोट लग गया था, तो उसी का सर्जरी करने वो गया था और सक्सेसफुली उसने सर्जरी कंप्लीट कर लिया है। और ये आप देख सकते हो सर्जरी के बाद उसने एक पोस्ट शेयर किया हुआ है, तो ये पोस्ट रहा, वो अभी ठीक है, अभी वो रिहैब में रहेगा, उसके बाद रिकवरी करने के बाद वो UFC में वापस आएगा फाइट करने। किसके साथ फाइट होगा वो हम जानते ही आपको बता देंगे, लेकिन वो अभी ठीक है, बस यही अपडेट है। तो आपको ये जान के कैसा लगा वो जरूर हमें बताएगा। तो चले चलते हैं अगले न्यूज पे। तो अगला न्यूज है आपका शारामागोमेदोव को लेके, जिनका भी फेवरेट फाइटर है शारामागोमेदोव, तो उनके लिए एक बड़ी अच्छी खबर है कि शारामागोमेदोव को फाइनली मिल चुका है वीजा अमेरिका के लिए। उसका वीजा का प्रॉब्लम के वजह से वो अमेरिका में जाके UFC का फाइट नहीं कर पा रहा था, तो फाइनली उसे वीजा मिल चुका है, अब नेक्स्ट वो अमेरिका में जाके फाइट कर सकता है, अभी उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट किसके साथ उसका फाइट होगा वो तो अभी हमें नहीं पता, हमें पता चलते ही हम आपको बता देंगे, उसके लिए बस सब्सक्राइब करके रखिए हमारे चैनल को। तो ये जानकारी जान के आपको कैसा लगा वो जरूर हमें बताएगा, और आप शारामागोमेदोव को इसके साथ नेक्स्ट फाइट करते हुए देखना चाहेंगे वो जरूर हमें बताइएगा। तो चले चलते हैं अगले न्यूज़ पे। तो आज का आखिरी न्यूज है आपका कोनर मैकग्रेगर को लेके। आप सभी पूछ रहे थे हमसे कि कोनर मैकग्रेगर कब रिटर्न करने वाला है वो जरा बताओ, तो हम आपको बताने वाले हैं। कोनर मैकग्रेगर ने डेट अनाउंस कर दिया है UFC में रिटर्न के लिए, और उसने कहा है इसी समर को रिटर्न करने वाला है UFC 303 में, जो कि होने वाला है आपका June 29 को अगेंस्ट आपका माइकल चैंडलर के साथ फाइट के लिए। तो उसने अनाउंस कर दिया है माइकल चैंडलर के साथ वो फाइट करने वाला है UFC 303 में। तो आपको ये जानकारी जान के कैसा लगा वो जरूर हमें बताएगा। तो UFC के तरफ से तो अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है आया इसके रिलेटेड, बस कोनर मैकग्रेगर ही आपका अनाउंस कर रहा है कि ये रिटर्न करने वाला है इस डेट में उस डेट में, लेकिन UFC के तरफ से अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आया। लेकिन UFC के तरफ से अगर कंफर्मेशन आता है तो हम आपको सबसे पहले बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही था, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।